तो खबरों की शुरुआत करते हैं और देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विशेष राज्य का दर्जा जिसे लेकर लगातार बिहार में सियासत होती है। आप बखूबी समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि देखिए, बिहार की बात की जाए तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने की अब कोई बात नहीं है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, जेडीयू अब इस तरीके से जन अभियान इसे बनाने की मुहिम में लग चुकी है। सवाल ये उठता है कि देखिए, एक बार नहीं, कई बार ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड इस पर साफ कर चुकी है। और आपको बता दें, जेडीयू ने बाकायदा इसके लिए घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की है और 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत जेडीयू बिहार के हर घर तक जाएगी और लोगों को स्पेशल स्टेट के संबंध में जागरूक करेगी। जेडीयू का मानना है कि बिहार के विकास के लिए सूबे को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम है और बीजेपी का कहना है कि बिहार को पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है और उसे विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सियासत हो रही है और ऐसा लगता है कि इस पर सियासत आगे भी होगी। और अब इस तरह से जब बयान सामने आए हैं तो इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, सुन लेते हैं। जब से मैं बिहार की राजनीति में आया, तब से हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भला हो, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो, केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे, बिहार पे विशेष पैकेज दे। तो ये सब चीज़ के लिए हम, जो एक बिहारी के नाते हमारे तो धर्म और कर्म है, हम अपने बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहा थे। इसके लिए तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम हमेशा खड़ा होंगे कि बिहार की जहाँ हित की बात होगा वहाँ उसके साथ होंगे। सामाजिक न्याय की बात होगा तो वहाँ जातिगत जनगणना पूरे भारत में लागू हो, उसके लिए हम लोग हमेशा ये संघर्ष करते रहेंगे। घर में भी कोई बात होती है तो अपने पिताजी से कोई आदमी मांग करता है तो उसको कहा जाएगा कि आप परिवार में हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के हैं तो कोई मांग उस तरह की करनी हो तो किससे आदमी मांगेगा? स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी से मांगेगा और यही काम हम लोग कर रहे हैं। बिहार के इंटरेस्ट में यह मांग है, इसलिए हम लोग इस मांग को उठा रहे हैं। एक राज्य को जैसे विशेष राज्य की दर्जा दीजिएगा तो बहुत ऐसे प्रदेश हैं, राज्य हैं जहां देना आपको पड़ेगा। और सब भारत का जितने राज्य हैं सब आपके राज्य हैं, कोई आपसे वंचित नहीं है, भारत में सब आता है। और देखिएगा तो विशेष व्यवस्था दी गई है बिहार को, इसमें आपके सड़क के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, स्टेट हाईवे के माध्यम, स्टेट हाईवे तो इसमें नहीं है, और सब योजना कृषि के माध्यम से, कोई ऐसा बजट का पार्ट नहीं है जिसमें बिहार उसमें सम्माहित नहीं। विशेष राज्य का मामला और सेंट्रल बजट से दोनों नहीं है। बजट अपना जो है, भारत सरकार अपना आगे का जो विकास का गति देने के लिए जो सरकार का आईबीआर है उसके होता है, इसमें ये चीज का मामला का है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी लगातार मांग रहे हैं और जब जब मुख्यमंत्री जी कुछ मांगे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया ही है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा सब लोगों को पता है कि पिछली सरकार ने तय कर रखा था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर ये बात सही है कि बिहार को आवश्यकता है सहयोग का और सहयोग प्रधानमंत्री जी ने किया है और आगे भी सहयोग जारी रहेगा ताकि बिहार भी विकसित राज्यों में खड़ा हो जाए। नीति आयोग के भी रिपोर्ट के अनुसार भी आप देखिएगा तो बिहार कई मामले में पीछे है, इससे बिहार भी देश का एक बहुत बड़ा भूभाग है। देखिए, एनडीए के सहयोगी दल की बात करें तो वो भी कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं, जेडीयू भी कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का अलग स्टैंड है। तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप बखूबी इस बात को समझते होंगे, कहीं ना कई बार ऐसा लगता है कि विशेष राज्य के जो दर्जे की मांग एक सियासी मुद्दा सा बन गया है। आप देख रहे हैं, अब एनडीए की बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्टैंड क्लियर कर चुकी है, जेडीयू अब जन अभियान चला रही है, तो आखिर क्या आप समझते हैं इस मुद्दे पर सबकी अलग अलग राह, अगर एनडीए की बात कर ले तो? बिल्कुल, एनडीए में अलग राह हो गई है और ये कह सकते हैं कि और जो दल हैं, जदयू समेत और जो दल हैं उनकी अलग राय है, वो चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, यानी कि ये मुद्दा जिंदा रहे। और मुद्दे की बात है कि जदयू में भी कई ऐसे नेता हैं
जो कैमरे पे तो नहीं लेकिन कैमरे के पीछे या कहीं कह सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है उसमें बोलते हैं कि अब ये मांग बहुत हो गई, अब ये मुद्दा बहुत हो गया, अब इससे हटना चाहिए, इससे आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों के ऊपर निशाना साधते हैं जो लोग ये लगातार चर्चा करते हैं, लगातार मांग उठाते हैं, उसमें कई मंत्री भी शामिल हैं जदयू कोटे के और कई और नेता हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से अपनी दूरियां बढ़ाने से अच्छा नहीं है, ये अच्छा हो कि हम लोग विशेष पैकेज की मांग करें, विशेष सहायता की मांग करें और उस पर आगे काम हो और बिहार का विकास हो। और एक यही वजह है कि भाजपा के तमाम नेता हैं, अब उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है कि बिहार को लेकर जो है केंद्र सरकार के मन में तमाम चीज़ें चल रही हैं और जो मांगा जाता है यहाँ से वो मिलता है। और यही वजह है कि अभी देखा आपने किस तरह से एक सीरीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीजेपी के नेता है वो बता रहे हैं कि आखिर इस बजट में बिहार को क्या मिला है। और अभी हमने देखा कि किस तरह से संजय जायसवाल जो भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और एक तरह से कहें कि लगातार सांसद हैं बेतिया से पश्चिम चंपारण से, और वो कह रहे वो उन्होंने एक पूरी पोस्ट लिखी है ललन सिंह जिसमें विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं उस सवाल को लेकर, और ये बताया है कि कैसे महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य से बिहार को जो केंद्रीय मदद मिली है वो 21,000 करोड़ ज़्यादा मिली है और पश्चिम बंगाल जैसे पिछड़े राज्य से भी 21,000 करोड़ की ज़्यादा की मदद मिली है। तो ये कहे कि अब दोनों दलों के बीच में एक चीज़ ये भी हो गई है कि आंकड़ों का खेल भी शुरू हो गया है। लगातार जो जदयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह जो संसदीय दल के नेता भी हैं जदयू के, वो रोज एक ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं देश के प्रधान बिहार को बिहार का हक दे। तो ये साफ तौर पे है कि वो लगातार प्रधानमंत्री से यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनसे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और इसकी बात उन्होंने संसद में की थी कि हम भाजपा के नेताओं से नहीं मांग रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को जो फैसला लेना होगा वो फैसला लेंगे। उनकी तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही, लेकिन जो भाजपा के तमाम नेता हैं अब ये कहें कि आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि आखिर बिहार को क्या मिल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह से जो पीएम पैकेज मिला था उसकी भी राशि पूरी अभी तक खर्च नहीं हो पाई। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये कह सकते हैं कि ये एक राजनीति का ही हिस्सा है और ये बताने की कोशिश हो रही कि बिहार को लेकर केंद्र सरकार के मन में क्या है, केंद्र सरकार किस तरह से मदद कर रही है। लेकिन लगातार जदयू जो है या कहे कि राजद जो है और या अन्य जो दल हैं कांग्रेस समेत अन्य जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, विशेष राज्य के दर्जा से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तो साफ तौर पर अब ये पूरी तरह से राजनीति का मुद्दा बन गया, सियासी मुद्दा बन गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र, देखिए लगातार आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष की बात करें संजय जायसवाल, जिन्होंने कई बार इस मुद्दे को कह चुका है कि देखिए स्पेशल पैकेज की बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं देखिए ये महत्वपूर्ण बात हो जाती, क्या वाकई एक सियासी मुद्दा सा बन गया, क्योंकि बिहार को विकास करना है, अगर विकास की बात करते तो उसके लिए एक प्लान बनाना होगा, रोडमैप बनाना होगा, ना कि इसे लेकर लगातार राजनीति होनी होगी। लेकिन आपको बखूबी समझते हैं, अगर नीतीश कुमार की बात कर ले, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ही जब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार जब उन्होंने अपनी बात रखी थी, यह भी कहा था कि वो लगातार इसके लिए फाइट करेंगे। और देखिए लगता है ऐसे कि कई बार रह रहकर इस मुद्दे को उठाया जाता है और इसीलिए इस पर हम चर्चा भी करें, क्या एक सियासी मुद्दा बन गया है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर फेसबुक के जरिए देखिए ये पोस्ट जारी किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बंगाल भी बिहार के मुकाबले पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलता है। संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर ये पोस्ट जारी किया है, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि दक्षिण भारत के राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार हमें कम पैसे देती है, क्योंकि हमने आबादी को 70 के दशक में ही केंद्र की नीतियों के कारण रोक लिया था, अब केंद्र सरकार इसको अपराध मानती है। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्य को हुआ है। और ये पोस्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ये बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। शैलेंद्र, आप अभी चर्चा कर ही रहे थे कि देखिए ये बखूबी डाटा के जरिए समझाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन क्या अगर बात करते हैं विशेष पैकेज की, जो कि कई बार केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि विशेष राज्य की आप बात करें तो अब प्रावधान ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अब इस पर सियासत ना होकर एक साथ बैठकर एक समाधान निकालने की बात है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बिहार की बात करें तो बिहार को विकास ही चाहिए।
विकास के लिए योजनाएं चाहिए कि आखिर किस तरह से काम हो। जैसे अभी आपने देखा कि किस तरह से जो रोजगार का क्षेत्र है या कहें कि जो उद्योग का क्षेत्र है, आखिर उद्योग लगेंगे तभी रोजगार बढ़ सकते हैं। और ये कहें कि उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा कमी जो है उद्योग की है। अभी एक जो उद्योग के जानने वाले उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि जब राजद का शासनकाल था तो यहाँ पर उद्योग का जो कहें कि ग्रोथ का परसेंटेज था 1.9 था, और पिछले 17 साल में यानी जब से कहें कि एनडीए की सरकार चल रही है अब जाकर 2% ग्रोथ हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1.9 से 2% कितना होता है, 0.10% होता है। तो ये उद्योग की ग्रोथ है बिहार में और ये स्थिति बनी हुई है। और विशेष बात यह है कि उद्योग को लेकर जो नीतियाँ होनी चाहिए तो उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि जो बिहार में काम होता, चूंकि बिहार का बजट है 2,18,000 करोड़ का है, लेकिन बिहार में जो चीजें होती हैं या कहें बिहार में माइंडसेट बना हुआ जो यहाँ के अधिकारी हैं जो आला पदों पर बैठे हुए हैं, और अगर उनको वो जो है वो ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आउटसोर्सिंग से ज़्यादा काम करवाते हैं, यानी कि बाहर के राज्यों के जो लोग होते हैं वो यहाँ आकर काम करते हैं और ये माना जाता है कि वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बिहार के जो लोग हैं और बिहार में जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर कभी कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। और उनको लेकर जो नीतियाँ हैं उनमें भी परिवर्तन, तमाम तरह के जो चेंजेज हैं वो किए गए हैं, वो चाहे बिजली विभाग की बात हो चाहे और विभागों की बात हो। तो लगातार ये कहें कि बिहार की चीज़ों को बढ़ावा देने की जगह पर यहाँ पे जो नीति निर्माता है, यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो की पोस्ट बैठे हुए वो साफ तौर पर बिहार की अनदेखी के लिए लगातार एक तरह से कहें कि एक अभियान या उनकी तरफ से या कहें कि उनका जो माइंडसेट है वो बाहर की कंपनियों बाहर के लोगों के लिए धड़कता है, तो इसमें संयुक्त नहीं होगी। और ये बाकायदे प्रूफ है क्योंकि यहाँ जो कंपनियाँ काम करती हैं, यहाँ पर जो तमाम तरह के कहें कि काम करवाए जाने सरकार की ओर से, तो वो सब काम लगभग आउटसोर्स होता है। बिहार के बाहर के राज्यों के लोग काम करते हैं, छोटे छोटे काम हैं वो भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। और साफ तौर पर है कि ये एक बड़ी ऐसी स्थिति है। और जब आती है कि आबादी की, तो ये कहा जाता है कि बिहार में आबादी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा, अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा, स्किल्ड लेबर सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को बिहार का काम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये अपने कहें कि विरोधाभासी चीज़ें हैं, और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक कहें कि लोकल को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये परेशानियाँ बनी रहेंगी। और एक बात और है, जिस तरह की बात आपने कही कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया है, तो उन्होंने एक एक डेटा दिया है कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से क्या दिया गया। हम लोगों ने देखा था कि जब संसद में ये मुद्दा उठा रहे थे जदयू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना, तो उसी समय राजीव प्रताप रूड़ी छपरा के सांसद हैं, सारण के सांसद हैं, उनका ये कहना था कि 6,600 करोड़ रुपए ऐसा है जो नल जल योजना का जो लगा वो पड़ा हुआ है, एक पैसा बिहार सरकार ने खर्च किया है, केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया पैसा। तो ये स्थितियाँ हैं, ऐसी स्थितियों में कि अगर आप केवल मांग करते रहेंगे और जो चीज़ें हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उन पे काम नहीं होगा। और हम लोगों ने देखा किस तरह से ACDC बिल का मुद्दा भी रहता है, तो लगातार ये जो परेशानियां हैं, जो अपनी परेशानियां हैं उनको अगर आप दूर नहीं करिएगा, उनको आगे नहीं बढ़ाइएगा, उनसे निजात नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो समस्याएं हैं वो जस की तस और जहां की तहां ही रहेंगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई आपने शैलेंद्र, सवाल तो यही उठता है ना कि देखिए बात यहाँ विकास पे होनी चाहिए। एनडीए की सरकार है, आप समझ सकते हैं गठबंधन की सरकार है, आपको मिलकर ये सोचना होगा कि कैसे विकास को बढ़ावा देना है। रोजगार की इतनी बातें कही गई थी, रोजगार सृजन कैसे करना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बखूबी आप देख रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गाहे बगाहे सियासत ही हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार देखिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत हो रही है, और इसे लेकर जेडीयू की देखिए अपनी राय है, कहा जेडीयू की बात कर लें तो देखिए जन भागीदारी इसे बनाने की पूरी कोशिश, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सीधे तौर पर कह चुकी है कि विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होनी चाहिए, केंद्र लगातार विशेष पैकेज बिहार को देते आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं मुकेश सहनी लगातार जो कि देखिए विरोधी सुर अपनाते जा रहे हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने खुली चुनौती दी है, और देखिए एक बार नहीं कई बार मुकेश सहनी की हम बात करें तो खुली चुनौती दे चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश में वो पहुंचे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती दी है कि देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलग से वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने देखिए भारतीय जनता